हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से रेकमेंड करने वाला हूँ। इस स्टॉक में आप लोग स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे सबको पता है कि मार्केट की हालत बहुत ही ख़राब है, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही वोलाटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी इतना ज़्यादा कुछ मैं प्रॉफिट की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ टोटली अपने जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे से बिल्डअप करने की तरफ। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेवल बता दूंगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अब इस वक्त इफेक्टिव उतना नहीं रहेगा, आप लोग लॉस में जा सकते हो। तो केयरफुली अगर आप लोग एकदम स्विंग ट्रेडिंग करो, लेकिन माइंडसेट रखना लंबा टाइम के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप लोग अपना माइंडसेट बना के रखना कि 3 मंथ्स मैं पोजिशन इस कंपनी में होल्ड करने वाला हूँ। एटलीस्ट ये माइंडसेट रखना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्रेकआउट देने के बाद भी, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद भी वो स्टॉक नीचे गया है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। आप लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो मार्केट के बारे में। ये हो गया मेरा जो कहना था, बाकी आपके ऊपर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है। तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक में जून के क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उनमें एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिली है। तो मैं पहले ही बता दूँ, जो FIIs है उन्होंने अपना होल्डिंग एज यूजुअल इंक्रीज किया है। हाँ, इस स्टॉक में सितंबर 20 के क्वार्टर से पहले FIIs के पास 0 होल्डिंग था, अब वो लगातार इंक्रीज करते करते आ रहा है। मतलब हर क्वार्टर में अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और जो रिटेलर्स का होल्डिंग है उनमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले मार्च 2021 के अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है रिटेलर्स, मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा 52% के अराउंड लगा हुआ था। और एग्जैक्ट फिगर्स और FIIs का कितना होल्डिंग है मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा वीडियो के एंड में, तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और जिसके बारे में बात कर रहा था, रिटेलर्स का होल्डिंग मार्च 2021 का क्वार्टर में 52% था। और अभी के बारे में बात करो, जून का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो अभी सिर्फ 24% रहा है। मतलब इतने बड़े प्लेयर्स एंटर किया है इस स्टॉक में, तो आप लोग सोच सकते हो ऑलमोस्ट 30% डिक्रीज हुआ है रिटेलर्स का होल्डिंग। तो मतलब पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, और FIIs ने भी इंक्रीज़ किया है, बड़े प्लेयर्स एंटर किए हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक में। स्टॉक ने हाल ही में स्प्लिट दिया है 5:1 का। तो चलिए अब टेक्निकल्स में आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो। ये हो गया मेजर की पॉइंट स्टॉक के बारे में। अब टेक्निकल्स दिखाता हूँ, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस दिखाऊंगा। तो चलिए पहले टेक्निकल्स दिखाता हूँ आप लोगों को, और स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग कहाँ तक के लेवल्स के लिए होल्ड करके चल सकते हो वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग स्टॉक का नेम देख सकते हो, इवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, BSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। ये स्टॉक NSE में लिस्टेड नहीं है, और फ्राइडे को मतलब कल ये 2.26% ऑलमोस्ट आप तक फिलहाल ये 16 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। बिलो 20 रुपीज़ का ये पेनी स्टॉक रहने वाला है, जहाँ पे आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जा सकते हो। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करो तो आप लोग देख सकते हो लगातार ये स्टॉक नीचे गिरने में लगा हुआ है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसका बाउंस बैक कन्फर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वेट कर जाना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक बार बाउंस बैक कंफर्म हो गया था। एटलीस्ट यहाँ पे तो बोलेंगे ही कि बाउंस बैक कंफर्म हो गया था, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, आप लोग वॉल्यूम नहीं, कैंडल का जो बड़ी है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था इसमें। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये जो 14 रुपये के आसपास का सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, 14 रुपये के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की प्रयास कर रही है। अगर ये प्रयास सक्सेसफुल हो जाता है तो आराम से आप लोगों को 20 रुपये तक की टारगेट देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करो, स्विंग ट्रेडिंग के माइंड सेट पर बाइन करो। हाँ, बाई करके रख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के माइंड सेट से अगर बाउंस बैक कन्फर्म हो जाता है तो, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में रखना, अगर स्विंग ट्रेडिंग फेल हो जाता है तो एटलीस्ट मैं इसे 3 मंथ्स के लिए होल्ड करूँगा। अगर 3 मंथ्स आप लोग होल्ड कर सकते हो तो आराम से आप लोग 33 रुपीज़ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मंथ्स के लिए। स्विंग ट्रेडिंग का ये 2 लेवल भूल जाओ आप लोग, क्योंकि 33 का लेवल दिखाएगा ये स्टॉक। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ये आप लोग पहले भी देख सकते हो, ये एक बार सक्सेसफुल बाउंस बैक दिखा था इस लेवल से जून के, ये बाउंस बैक था, ये रिट्रेसमेंट था, ये वाला जो पॉइंट रिट्रेसमेंट था ये बाउंस बैक के टाइम था। अब उसके एक सेकेंड गाइज, हाँ, अब इसका जो टाइम पीरियड है आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट बाउंस बैक कन्फर्म होता है 16 जून 2020 को,
और 34 का लेवल इसने टच किया था 17 सितंबर, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर इसने इतना बड़ा टारगेट दिखा दिया। ऑलमोस्ट आप लोगों को 100% का गेन दे के गया है 3 महीने के अंदर अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप लोग 3 महीने के, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप लोग आराम से बाइक करके चल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में ये बैठा लेना कि हाँ अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो एटलीस्ट मुझे 3 महीने तक होल्ड करना है स्टॉक को। लेकिन फिर भी एक बार अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई कर रहे हो 3 मंथ शॉर्ट टर्म के लिए, तो एटलीस्ट कन्फर्मेशन मिल, बाउंस बैक की कन्फर्मेशन मिल जाने के बाद ही एंटर करना, उसके पहले मत करना, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर 1400 से नीचे गिर जाती है तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही नीचे की लेवल्स ये कंपनी दिखा सकती है, जैसे कि निकल के आ रही है 4 रुपये तक का लेवल, ऑलमोस्ट हाँ आप लोग बोल सकते हो 4 रुपये तक की लेवल देखने को मिल सकती है। अगर 1400 से नीचे गिर जाती है तो बाई बिल्कुल भी मत करना, बाई करना अवॉइड करना, बाई अवॉइड करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स के माइंडसेट से भी एंटर करते हो स्टॉक में, तो अभी बाई कर लेते हैं, 3 मंथ्स में तो पक्का ऊपर जाएगा। नहीं, मार्केट के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं रहा अब मेरा, क्योंकि मार्केट का कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है। एक स्टॉक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद भी नीचे गिर रहा है, ओवरऑल मार्केट नीचे गिर रहा है, कुछ भी भरोसा नहीं है। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए संभाल के एटलीस्ट जितना हो सके सेफ खेलो गाइस। देखो अगर बाउंस बैक कन्फर्मेशन रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर गिरता है स्टॉक, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो होगा ही। अगर मार्केट को लगता है नीचे गिरेगा तो नीचे गिरेगा ही, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। लेकिन जितना हो सके सेफ खेलो गाइस, क्योंकि अगर आप लोग सेफ खेलते हो तो 10 स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटलीस्ट एक स्टॉक आप लोगों को धोखा नहीं देगा। 9th स्टॉक आप लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन एक स्टॉक आप लोगों को धोखा नहीं देगा। अगर आप लोग रैंडमली एंटर करते हो तो 10 में से 10 स्टॉक ही आप लोगों को धोखा देने का चांसेस रह जाता है इस टाइम पे मार्केट में। तो मैं यही बोलूँगा कि इस टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर से फोकस शिफ्ट करके एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 महीने 2 महीने 3 महीने इस टाइम पीरियड के लिए फोकस्ड शिफ्ट कर लो। जब मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा फिर से स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग एंटर कर सकते हो। यहाँ पर भी स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग एंटर कर सकते हो, लेकिन क्या है मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, नीचे गिर रही है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, मैं भी पर्सनली इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए शिफ्ट कर गया हूँ। अभी स्विंग ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा रिस्क बहुत बढ़ जाता है प्रॉफिट के मुकाबले, इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग टेम्पोरली छोड़ चुका हूँ, ये आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल, जब तक मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता तब तक मैं स्विंग ट्रेडिंग में एंटर नहीं करूँगा। इस स्टॉक में भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं पर्सनली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँगा, और वो मैं एटलीस्ट 3 to 4 months होल्ड करूँगा जब तक मार्केट ऊपर ना जाए, और जब तक, और ये स्टॉक अगर बाउंस बैक कन्फर्म हो जाता है उसके बाद मैं एंटर करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 10 रुपये के आसपास का रहेगा, मैं ये पर्सनली लगाऊंगा स्टॉप लॉस। अगर आप लोग एकदम डिटरमाइंड हो कि जब तक 34 रुपये का टारगेट नहीं आ जाता तब तक मैं होल्ड करके रहूँगा, चाहे वो 4 रुपये तक चली जाए, तो आप लोग स्टॉप लॉस मत लगाना। लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी मार्केट देखो गिर रही है, और मैंने भी बोला कि 14 रुपये से अगर नीचे गिर जाता है स्टॉक तो 4 रुपये तक का लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है स्टॉक में। इसलिए मैं एक बार फॉर सेफ्टी पर्पज़ मैं 10 रुपये के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि अगर 10 रुपये से नीचे गिर जाता तो कोई मतलब नहीं बनता, मैं लॉस बुकिंग करना पसंद करूँगा उस मामले में। और अगर मान लो कि 10 रुपये के बीच में ही 10 और 14 रुपये के बीच में ये ट्रेड करता रहा, तो जब तक 34 रुपये का टारगेट ये कंपनी नहीं दे देती तब तक मैं इस कंपनी का होल्ड करके रखूँगा, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ, हो सकता है 10 रुपये टच कर गया, 10 रुपये टच करके फिर से ऊपर गया, 11 रुपये 12 रुपये के रेंज में कंसोलिडेट करते रहा। मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो अराउंड 15 रुपीज़ है, तो भी मैं होल्ड, हाँ लॉस में ट्रेड करेगा स्टॉक, लेकिन फिर भी मैं होल्ड करता रहूँगा। अगर 10 रुपये से नीचे चले जाते हैं तो मैं लॉस बुकिंग कर लूँगा, लेकिन अगर नहीं जाता 11-12 रुपये में भी अगर ट्रेड करता है स्टॉक, फिर भी मैं जब तक 34 रुपये नहीं आ जाती है तब तक मैं होल्ड करके रखूँगा स्टॉक को, ये क्लियर कर लेना। अगर स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो अपना माइंड सेट एकदम क्लियर रखें कि मैं क्या चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से, मेरा क्या टारगेट रहने वाला है, कब तक के लिए टारगेट रहने वाला है, और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। एकदम जो जो पॉइंट आप लोगों ने, हाँ आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन अपना माइंड सेट एकदम क्लियर रखना, अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो मुझे करना है। 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा देख लेता हूँ, क्या पता स्टॉक वहाँ तक चले जाए। अगर 1 रुपये 1.5 रुपये तक ज़्यादा वेट कर जाता हूँ, क्या पता एक इससे नीचे का लेवल दिखा दे, मैं वहाँ पे मुझे बेटर एंट्री मिल जाए, ये मत करना। जहाँ आपका अगर माइंडसेट आपका है 15 रुपीज़ में एंटर करना है तो 15 रुपीज़ में ही करना है। अगर आपका माइंडसेट है 34 रुपीज़ में आपका प्रॉफिट बुकिंग करना है तो 34 रुपीज़ में ही
आपका प्रॉफिट बुकिंग करना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि 15 जब भी स्टॉक 15 रुपीज़ में ट्रेड करे उसके बाद 10 रुपये के लेवल दिखा दे, नहीं मुझे 15 में एंटर करना है तो 15 में। अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो एंटर कर जाओ, लेकिन संभल कर रहना, इस चक्कर में मत रहना कि हाँ अभी और 1-2 रुपये नीचे गिर सकती है। तो मैं अगर वैसे करोगे तो अपने एंट्री मिस कर जाओगे और यू विल एंड अप मेकिंग ए ह्यूज लॉस, क्योंकि अगर आप लोग अपर सर्किट में एक दिन क्लोज होता है तो 17 रुपये तक का लेवल ये दिखा देगा, और 20 रुपये 17 रुपये में बाई करके 20 रुपये तक का लेवल के लिए वेट करना बेवकूफ़ी रहेगा, क्योंकि अगर 18 रुपये से नीचे गिरता है तो आप लोगों का लॉस बुकिंग करना पड़ सकता है, आप लोगों को लॉस बुकिंग करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइंड सेट एकदम क्लियर रखना। तो बहुत होगी ज्ञान की बात, अब बात करते हैं कितना क्वांटिटी लोग CNC में घर लेके गए BSE में लिस्टेड स्टॉक है, तो BSE के वेबसाइट में देखते हैं वो, ये आप लोग BSE का वेबसाइट देख सकते हो। 7 लाख क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है और जिसका डिलीवरी पोजीशन निकल कर रहा है ऑलमोस्ट 3,54,000 क्वांटिटी, जो 49 ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी लोग CNC में घर लेके गए हैं। तो चलिए ये हो गया डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल कर रहा है स्टॉक का, अब बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में, क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 1 या 2 साल के लिए भी इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो क्या, और ये कंपनी क्या काम करती है वो सब के बारे में ही बात करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी ऑयल, इंक ऑयल, रेसिड्यू ऑयल, जेल पेंटेन, मिक्सर एंड लुब्रिकेंट्स। उसके बाद अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें, मार्केट कैप आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 500 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। स्टॉक का P/E 393 है, ROC 2.20 है, ROE 1.58 है, डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती है स्टॉक, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक लो कंपेयर टू द 52 वीक हाई, जैसे कि मैं बोल रहा था 34 रुपये तक का टारगेट ये कंपनी आप लोगों को दिखा सकती है, तो 34 रुपये उसका 52 वीक हाई निकल के आता है। उसके बाद अगर बात करें, हाँ मान लो कि अगर ये 25 रुपये प्लस चली जाती है तो मैं एक अपडेट वीडियो बना दूंगा कि 34 रुपये के अगर ऊपर जाती है तो स्टॉक कहाँ तक जा सकती है, अगर 25 रुपये क्रॉस कर जाती है स्टॉक तो मैं एक सेपरेट अपडेट वीडियो बना दूंगा सिर्फ लेवल्स को बताते हुए। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट ड्रिफ्ट फ्री, आप लोग देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग 6.17 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ऊपर में मैंने बताया कि ये तो मैं कौन से में काउंट नहीं करता, बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पोअर सेल्स ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट पॉजिटिव है, ROE भी पॉजिटिव है, कम है लेकिन पॉजिटिव में, अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 74.40 करोड़, कंपनी हैज़ हाई डेब्टेड डेज। अब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून के क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो मार्च का रिजल्ट बता रही है, एक्सपेंसेस में आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई 15 करोड़ का सेल्स है लेकिन एक्सपेंसेस 87 करोड़ का है, जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 71 करोड़ नेगेटिव में है, मतलब 71 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दिखाया है। लेकिन अदर इनकम के बारे में बात करें तो ओवरऑल 72.38, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे भी ज़्यादा इस कंपनी का अदर इनकम है, जैसे कि ऊपर में मेंशन किया गया था कॉन्स में। इसके चलते जो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें मतलब होना चाहिए टोटली नेट प्रॉफिट के बेस में, हाँ सेल्स एक्सपेंसेस वो सब भी देखना चाहिए लेकिन हमें मतलब होना चाहिए नेट प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप लोग देख सकते हो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी अदर इनकम ज़्यादा है या डिप्रिसिएशन वैल्यू कम है, सेल्स ज़्यादा है एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या तो फिर टैक्स रेट कम है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप लोग देख सकते हो जैसे कि ऊपर लिखा था 74.4 का अदर इनकम है और जो एक्सपेंसेस था ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा था सेल्स का। तो अगर ये कंपनी अपना एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेती है तो इससे भी अच्छा रिजल्ट देके जा सकती है, और इस बार भी प्रॉफिट दिखाया मार्च 2021 में लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाया मार्च 2020 के कंपैरिजन में ड्यू टू कोरोना केसेस, ये हो सकती है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है मार्च 2019 से लगातार अपने डेब्ट इंक्रीज करने में लगा हुआ है, लेकिन जो इसका रिजर्व है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो कभी भी अगर कंपनी चाहती है तो ये डेब्ट फ्री बन सकती है क्योंकि इसका रिजर्व 10 करोड़ के मार्जिन से ऊपर है। उसके बाद अगर कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो में आप लोग देख सकते हो नेट कैश फ्लो 13 लाख मतलब इंक्रीज हुआ है बाई 24 लाख कंपेयर टू द मार्च 2020 क्वार्टर। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो जिसके बारे में बात कर रहा था कि सितंबर 2020 से FIIs का होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रहा है और अभी FIIs का जो होल्डिंग है वो 4.66% का है, DIIs का भी होल्डिंग है, DIIs का भी होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 0.31% हुआ है 0.30 से। DIIs में किसका होल्डिंग है ये अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, पब्लिक में जिसके बारे में बात कर रहा था, ये आप लोग देख सकते हो बहुत नए प्लेयर्स एंट्री किया है इस बार, पहले भी उन लोगों का होल्डिंग था लेकिन अभी फिर से एंट्री किया है उन लोगों ने।
और दो बड़े नए प्लेयर्स हैं जो है ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड, मनोहर जगुमाल करदा, ये कोई होगा इस नाम का, उन्होंने फिर से एंट्री किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जो है सिल्वर ट्रेडिंग, इन्होंने 15% अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया, ऑलमोस्ट 15%। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आराम से इसे होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेती है तो आउटस्टैंडिंग मतलब आप लोगों को 1,000 रुपये तक की टारगेट दिखा सकती है 1 या 2 साल के अंदर अंदर। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, वो तो टोटली आप लोगों के ऊपर है। आफ्टरऑल आपका पैसा है, और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना है, या तो फिर खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। आफ्टरऑल आपका पैसा है, कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको ही पता है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी नहीं, किसी यूट्यूबर को भी नहीं, किसी सीए को भी नहीं, खुद का रिसर्च ऐड कर लेना। अगर कोई भी बोलता है तो एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी या पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज।